हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये मेरी बेटी का बन रहा है सवेरे का नाश्ता और टिफ़िन भी, तो अभी इसी में लगी हूँ। तो ये पता नहीं सच्ची का सो रही है कि झूठ झूठ सो रही है, ईमानदार से सोने की एक्टिंग कर रही है, झूठ झूठ। अभी मूवी देख रही, अरे हाय हाय, सो सो के उठ जाती मानो टकले पे भी, सो सो के उठ जा रही, उधर भी सोई जबी। और बड़ी भी को अभी भी बोले सोने नहीं दे रहे, कौन नहीं दिया तेरे को सोने, ये बटाटे बड़े पता। तो ये मैं तैयार कर रही हूँ अपना जो लंच है, आज यही खाना है हमको लंच में। तो सवेरे बनाया था, वो छोटी वाली बेटी के लिए बनाया था, वो जॉब पे भी जाती तो उसने सैंडविच मतलब ब्रेड में बना के लेकर गई। और हम अभी इसको इस नरम पाव में, यानी डबल रोटी, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता। हम तो एक बुरुन पाव बोलते हैं जो कड़क वाला होता है, और ये है नरम पाव के अंदर हमने बना दिया इस तरह का सैंडविच रखे, क्योंकि ज़ाया नहीं जाना चाहिए। तो ये भी सुबह दिए हुए थे, तो नाश्ते में मैं अभी इसको काम में ला रही हूँ। तो आ जाइए आप भी माय यूट्यूब फैमिली मेरे साथ में, ये जो नरम है पाव ही बोल देती हूँ, जो वड़ा पाव के अंदर होता है पाव, तो उसका सैंडविच खाने के लिए आ जाइए हमारे साथ आप भी। तो अब मतलब आज तो चांद रात है, और ये इससे पहले मैंने साफ़ सफाई शुरू करी है, तो अभी ये किचन वगैरह सारा कुछ धो धा के रख दिया है। अभी मुझे इसके ये जो है जाली है वो लगानी है, क्योंकि उसको अच्छी तरह उस पर गिर गई थी कॉफ़ी और बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी, तो मैंने उसको भिगो के रखा है। अभी इसको माँच के ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर पूरा लगा दूँगी। तो ये पूरा साफ़ सफाई करा है, अब जो किचन का सामान रहता है उसको दोबारा रखना है। ये मुफ्फू जो है बहुत डाकू है, ये मेरी जगह जो मुझे लेटना था यहाँ कब्जा करके, मतलब ये लेटा हुआ है, ये देखो। मतलब हम बिल्कुल सोचेंगे अभी हमको लेटना है, थोड़ा साफ़ सफाई की है, अभी थोड़ी नींद लग रही, काम हो गया है, थोड़ी नींद जैसे लग रही, थोड़ा लेटना है। तो मगर इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है, और ये देखिए ये ऐसे लेट जाता है, इतना मासूम सा, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मासूम सा पापा है मेरा। तो ये पहले ले जाएगा, ये पता चल गया कि मैं बात कर रही हूँ इसके, ये देखो तकिया, जैसे इसके अब्बू का है तो तकिया उसको चाहिए थी। ये देखो तकिया, मुफ्फू नहीं उठ रहा माशाल्लाह, गहरी नींद में मुफ्फू, मुफ्फू गहरी नींद में वीडियो बनवा रहा है अपना, उसको नहीं बताया, वरना अब तक बनाने में नहीं था, हाथ पर चलाता नाखून मारता मेरा बच्चा। तो मुझे ऐसा लगता नहीं शायद है ही, तो आज ही चांद रात होगी और कल का पहला रोज़ा होने वाला है, ऐसा बोला गया था, बताया गया था कि कल जैसे चांद रात होने वाली थी इससे पहली रात को, लेकिन नहीं हुआ, तो आज तो होनी पक्की। अगर चांद दिखेगा तो ज़रूर, नहीं भी दिखेगा तो लोगों ने कल से रोज़ा रखे नहीं, रमज़ान चांद रात आज तो कल से पहला रोज़ा मेरे ख्याल से शुरू, अब आगे का मुझे नहीं मालूम, मैं तो बता रही हूँ। ऐसे कल भी सोचा था तो नहीं हो पाया, तो ऐसे आज भी सोचा है, अभी देखिए अब क्या होता है। मेरे ख्याल से दिख जाना चाहिए चांद, क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है चांद रात का, कि चांद रात का मुझे बनाना है अभी खाना। तो खाना बनाने से तो छुटकारा वैसे भी नहीं मिलता है, और दोपहर में बनाती हूँ मैं खाना, तो मैं कितनी खुश रहती हूँ ज़्यादा, कि दोपहर में मेरा खाना बन गया, दोपहर में मैं खुश रहती हूँ कि मेरा खाना बन रहा है। और शाम में बनाना होता है तो एकदम मुझे बहुत दिलदारी आती है। तो अभी बस सोचती हूँ क्या बनाऊँ। तो छोटी वाली बेटी को मेरी मतलब टमाटर की चटनी बहुत पसंद है, टमाटर की चटनी फिर वो खट्टी खट्टी खाती है, तो हम लोग भी खा ही लेते हैं, तो उसको वो बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ कि यही करूँगी, कि अभी पहले प्याज को काटती हूँ और उसको भिगो लेती हूँ, क्योंकि आंखें इतनी जलती है ना कि बाप रे बाप, पता नहीं कैसे किसान उगाता है प्याज को तो आंखें बहुत ज़्यादा जलती है। तो उस दिन दोपहर के लिए प्याज काटी तो इतनी ज़्यादा थी कि आंखें हमारी एक घंटे तक जलती रही, हमारे जानवरों की भी, मतलब मेरे सीमा मुफासा की भी जलती रही आंखें। तो फिर उसके बाद में हमने सेकंड टाइम जब भिंडी के लिए प्याज काटी तो चॉपर में काट ली, यानी कि फिर भी आंखें जलती रही। तो अब ये सोचा है कि प्याज को अभी मैं छील के फौरन उसको पानी में भिगो दूँगी, तो
उसको पानी में भिगोने के बाद बोलते हैं कि कम जलती है आँखें, ये नहीं जलती है, कम जलती है, नहीं जलती तो सवाल नहीं, कम जलती होंगी। तो उस हिसाब भी भिगो दूँगी और इसको पकड़ाऊँगी बड़ी बड़ी को, टमाटर काटेगी, कांदा तो फिर मुझे ही काटना पड़ेगा। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी वो चॉपर में काटेगी तो वही काटेगी, क्योंकि मुझे चलाने बहुत भारी पड़ता है। तो उसको अच्छी तरह आता है, फट 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 कर देती है। तो मैं दूंगी उसको ही चॉपर में काट के प्याज, लेकिन उससे पहले भिगो दूंगी ताकि आके जलेगा। तो कुछ नहीं, बस फिर यही बनाना होगा मुझे, सोच रही हूँ। रोटी से तो चटनी खाने नहीं होगी टमाटे की, तो मुझे ब्राउन ब्रेड खाती है वो, तो ब्राउन ब्रेड लेना पड़ेगा उसके आने से पहले, और उसके आने से पहले चटनी तैयार हो जानी चाहिए। तो फिलहाल अभी मैं सारा काम मुझे चढ़ाने जा रही हूँ, कॉफ़ी और शाम का, मगरिब का तो नज़ारा ही कुछ और होगा मगरिब का। तो सारे ही खुश और सब चांद देखेंगे और हम भी चांद देखते हैं, कोशिश करेंगे, फिर वो देखेंगे कोई बात नहीं, रोज़ा तो पक्का है। तो अब यही करने वाले हैं कि जल्दी जल्दी से, मैं सोच रही हूँ वैसे कि अभी मगरिब तो 6 तो बज ही गए हैं वैसे, तो और थोड़ी मगरिब हो, इससे पहले मैं झटपट कॉफ़ी बनाऊँ, टमाटो की चटनी बनाऊँ, ब्राउन ब्रेड तो जब मेरा ब्रेड वाला आएगा तो मैं उसे ले लूँगी, और दूध वगैरह भी जो है वो ले लूँगी, यानी सुबह की तैयारी। इंशाल्लाह फिर देखते हैं जो भी जैसा रहेगा। तो फिलहाल तो बातें तो बहुत कर ली, वैसे तो मैं तब से दिखाई जा रही थी कि मैं क्या क्या काम कर रही हूँ सुबह से, और मैं नहीं सामने आई थी। तो अभी जस्ट मैंने बोला लाओ अपनी ये हालत भी दिखा लूँ, क्योंकि ये सारे काम करके मुझे फिर बात लेना है, तो सारे काम कर लूँगी फिर बात लूँगी, उसके बाद में और जैसे भी देखा, फिर रात का तो कोई काम नहीं होता, जब सारा काम से मगरिब में हो जाएगा तो उसके बाद में रात में सो नहीं, क्योंकि जाग तो मैं सकती नहीं हूँ। तो जाती जागा करती थी बहुत पहले वो जाती थी 2-2 बजे तक रात में, 1-1.5-2 बजे तक। अब ऐसा है कि सो जल्दी जाते माशाल्लाह से, तो बहुत अच्छी बात है ये भी, क्योंकि जल्दी सो जाते थे तो भी सुबह जल्दी उठ सकते हैं। सो बहुत जल्दी जाती हूँ, और भले फिर वो रात में आँख खुल जाती 3 बजे 2-2.5 बजे, एक बार तो खुलती है, फिर मेरे ये चिन्नू पिन्नू म्याओं में हमें करते तो आँखें खुल जाती है। फिर उसके बाद फिर अगर नहीं जाके सो गई, वरना 1-2 बजे तक मतलब और 1-2 घंटे ऐसे जाके फिर सोती हूँ, तो उसके बाद में सुबह 6 बजे तो पानी के लिए फिक्र से उठना पड़ता है। अगर ना भी उठें तो फिक्र से आँख खुल जाती है कि पानी बन गया। तो इस तरह कल ही मेरे जैसे वॉल पता नहीं कैसे क्या हुआ, तो मुझे समझ नहीं आया, वॉल खुला रह गया था और सारा पानी हमारा वापस उतर गया टैंकी में से। तो ये नहीं पता चला कि कैसे वॉल वो खुला रह गया और कैसे पानी उतर गया। बस शाम में दोपहर में इसने दिखाया मेरे बेटे ने कि देखिए पानी पूरा खाली हो गया, तो मैंने देखा समझ ही नहीं आया, तो देखा तो वॉल भी खुला हुआ था अंदर से। तो बस सोचती रही रात तक, फिर सुबह उठ के फिक्र से पानी भर रही हूँ, जब जाकर थोड़ा सा बेचैन दिल को आया करा। तो बस अभी कुछ भी नहीं, जैसे कॉफ़ी चलाती हूँ पहले, और वीडियो शूट करूँगी कि नहीं वो नहीं पता, कॉफ़ी बनाते हुए पहले तो ये जो किचन में लगता सामान उसको तैयार करके अपनी अपनी जगह रखूँगी, उसके बाद में चढ़ाऊँगी कॉफ़ी, फिर बनाऊँगी टमाटर की चटनी, फिर ब्रेड, और फिर सो जाऊँगी। तो यहाँ बनके तैयार है मेरी कॉफ़ी, ये वाला काम मेरा हो गया। अभी मुझे काटने हैं टमाटर छोटे छोटे, जो चटनी बनाना है बनाऊंगी मैं फिर से कुकर में ही। और ये गलत चीज़ होगी मेरे साथ कि मैं समझ रही 3 इसमें प्याज हैं, 3 मतलब प्याज समझ रही थी मैं, जिसमें से 1 आलू निकला, जबकि भुर्ते में ये आलू लिया भी नहीं गया, ये वाला आलू 1 बच गया, पता नहीं कैसे। मुझे ऐसे लगा जैसे फ्रिज में मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी प्याज ही होगी, तो इतना ध्यान नहीं दिया, बाकी के आलू निकाले, ये वाला एक आलू रह गया, तो ये बेचारा तनाव रखे रह गया। आज मेरे पास 2 ही प्याज है, प्याज लानी है, तो इंशाल्लाह कल देखेंगे, जाकर देख आएंगे जो आलू प्याज वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो गया है। अब टमाटर भी ख़त्म हो जाएगा, आलू भी ख़त्म, 1 ही बचा है, और ये जो प्याज है 2 ही बचे हैं, तो इसमें ही चटनी मुझे बनानी पड़ेगी, और फिर लाया जाएगा कल। कल पहला नज़र है, तो मेरे ख्याल से बम पटाखे फूट रहे हैं और चांद नज़र आ गया। तो रमज़ान बहुत बहुत मुबारक, आज की चांद रात मुबारक आप सबको, माय यूट्यूब फैमिली।